हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस्टर कार्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों आज हमारे पास में टोयोटा की न्यू अर्बन क्रूजर टाइजर का ये जी मॉडल है, जहां से आपको अगर आप टर्बो मॉडल लेना चाहते हैं, यानी टर्बो इंजन टर्बो परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो फिर आप यहां इस मॉडल से लेना स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली टर्बो का बेस मॉडल यानी कि जी मॉडल, जो कि आपको एस प्लस के ऊपर आ जाता है। एंड ये गाड़ी आपके स्टार्ट हो जाती है 774,000 रुपये की एक्सट्रीम कीमत से। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जी मॉडल लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती है और ये कितना वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। चैनल पर नए तो प्लीज़ इट्स हम्बल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपके पास में सारी वीडियोज रेगुलरली आ सके। सो बिना किसी तरीके चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ बता दें आपको इस गाड़ी के लुक के बारे में, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ आपको मिलती है, लाइक इसके नीचे जितने भी वेरिएंट्स हैं वहाँ सभी में आपको हैलोजन बेस हेडलैम्प्स मिलते हैं, बट यहाँ पे आपके पास में देख सकते हैं आपके पास में LED पूरा सेटअप आपको मिलता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगता है, काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ में आ जाता है। LED आपको DRLs आपको मिल जाते हैं, फ्रंट में बड़ा सा टोयोटा का लोगो आपको मिलेगा, क्रोम का सेटअप आपको मिलेगा, प्रीमियम ग्लॉसी फिनिश के साथ में ग्रिल आ जाती है आपकी। एंड देख सकते हैं दोस्तों फ्रंट की जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर कलर की आपको मिल जाती है, एंड जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। नाउ दोस्तों अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन के बारे में, तो वेल इसमें आपको 1 लीटर का इंजन आपको मिलता है। ये प्रोड्यूस करेगा 100 PS पावर एंड 147 Nm टॉर्क, 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आ जाती है। एंड कंपनी क्लेम कर देगी कि अगर आप टर्बो में चला रहे हो तो आपको 18 से 20 का माइलेज गाड़ी आपको आराम से दे देती है। सो यहाँ पे क्या है कि इसमें अगर आप CNG मॉडल लेना चाहते हो तो CNG भी अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों वो आपको मिलेगा बेसिकली जो इसका बेस मॉडल आ जाता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ CNG आपको मिल जाती है। एंड इसके बेस मॉडल के अलावा किसी भी मॉडल में आपको CNG नहीं मिलेगी। मैंने आई बटन पर लिंक आपको दे दिया, वहाँ पर जाके आराम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। पहले अगर बात की जिसके साइड प्रोफाइल के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी गाड़ी है। एंड डेफिनेटली मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ थोड़ी सी अलग मिल जाती हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ आपके अलॉय व्हील, ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं। जिनका टायर साइज़ के बारे में बात करूँ तो 195/60R16 का टायर साइज़ आपको मिल जाता है। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा। फ्रंट में जो स्किड प्लेट आपको मिलती है, साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको सिल्वर कलर का आपको मिलेगा। सो ये एक स्पोर्टीनेस पूरी गाड़ी में चारों तरफ आपको देखने के लिए मिल जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगा। बॉडी कलर ORVM विथ टर्न इंडिकेटर, जिसकी एक बेस्ट थिंग है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स विथ रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलेगा। सो यहाँ पे ड्राइवर साइड पे आपको पास में रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, एंड को ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलेगा। सो दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर प्रोवाइड किया जाता है। साथ में दोस्तों क्रोम का वर्क आपके पास में यहाँ भी अवेलेबल हो जाता है। सो काफ़ी जगह जो एक परफेक्ट वाली चीज़ है वो आपको प्रोवाइड की गई है। इवन आपको रूफ रेल भी आपको मिलेगा। साथ में आपके पास में यहाँ पे आ जाता है शार्क फिन एंटीना। तो साइड प्रोफाइल में सबसे अच्छी बात है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, R16 टायर साइज विद ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील डिज़ाइन। सो ये चीज़ आपके पास में काफ़ी बेहतर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। नाउ बात करते हैं दोस्तों इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको बेहतर मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कनेक्टेड टेल लैम्प आप देख पा रहे हैं, सो इस मॉडल से पर्टिकुलर आपकी स्टार्ट हो जाती है कनेक्टेड टेल लैम्प। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर लुक के साथ में आपके पास में मिलेगा। एंड अर्बन क्रूजर टाइजर की पैचिंग, 4 पार्किंग सेंसर, 2 रिफ्लेक्टर आपको मिलेंगे रियर में देख सकते हैं, यहाँ पे बम्पर। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास में आपको बेहतर आपको मिल जाती हैं। डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, इवन हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प विथ स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना। सो ओवरऑल आपके पास में सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। एंड वन मोर थिंग दो, यहाँ पे आपके पास में आ जाता है कैमरा। सो एक एक चीज़ जो गाड़ी में होनी चाहिए एक्चुअल में वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, जो कि काफ़ी बेहतर चीज़ है। जी मॉडल में आपको इंजन भी बहुत ही तगड़ा मिलता है, 1 लीटर टर्बो इंजन आपको मिलेगा। एंड ये आपका 3 सिलेंडर रहेगा, 4 सिलेंडर आपका 1.2 लीटर जो इसके नीचे मॉडल आता है उसमें आपको मिलेगा, बट यहाँ पे आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है। एंड ये प्रोड्यूस करेगा 100 PS पावर, 147 Nm टॉर्क। सबसे बेहतर चीज़ ये आपको ऑटोमेटिक में 6 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ में आ जाता है, एंड मैनुअल में ये आपको 5 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ में आपको मिलेगा। पहले इसकी बूडी स्पेस की अगर मैं बात करूँ, तो बूडी स्पेस में आपको 308 लीटर का बूडी स्पेस आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी बेहतर है। वेल काफ़ी डिसेंट सा स्पेस आपको यहाँ पर आ जाता है।
पार्सल ट्रे भी आपको मिलेगी। पार्सल ट्रे आप चाहें तो फिर आप हटवा भी मतलब निकाल के भी रख सकते हैं, सो दैट एक बड़ा सा बुड स्पेस आपके पास में आ सके। रियर की जो सीट है उसे आप 60-40 स्प्लिट वे में यहाँ पे पूरा मैनेज कर सकते हैं अगर आपको बूट कम पड़ रहा है। सो इन केस उस केस में आप क्या करेंगे, ये वाली जो सीट है आप उसको फोल्ड करके बहुत ही बेहतर सा बूट स्पेस आप बना सकते हैं। स्पेयर व्हील की अगर बात करूँ सो स्पेयर व्हील आपके पास में यहाँ पे आ जाता है एंड द टायर साइज इज 195/60 R16 का टायर साइज आपको मिलेगा। दैट मीन्स एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टायर साइज आपको मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बूट लैंप भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, सो यहाँ पे देख सकते हैं लगेज हुक आपको मिलेगा। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बेहतर यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। फ्रॉन्क्स हो या फिर टोयोटा की टाइजर हो, दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। हालांकि यहाँ पे CNG का ऑप्शन सिर्फ एक ही आपको मिलेगा, बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके नॉन टर्बो एंड टर्बो में। फिलहाल ये जी मॉडल है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देख लेते हैं क्या क्या फीचर मिल जाते हैं अपने इस जी मॉडल में। पहले अगर बात कीजिए गाड़ी की चाबी के बारे में, तो यहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चाबी मिलेगी, लाइक जो आपको मारुति में आपको मिलती है, लमसम आपको पूरी सेम आपको मिल जाती है, बट यहाँ पे जो लोगो है वो एक्चुअली टोयोटा का आपको मिल जाता है। सो देख सकते हैं कुछ इस टाइप की आपको की फॉक मिल जाता है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। सो जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास में चारों पावर विंडो मिलेंगी विथ ड्राइवर सेट की, ऑटो फंक्शन के साथ में आ जाती है, लॉक ऑन का बटन है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, ओआरवीएम्स के सारे कंट्रोल आपके पास में आ जाते हैं, लाइक ओपन एंड क्लोज आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं, एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। एंड ये जो पार्ट है वो ब्लैक पियानो फिनिशिंग के साथ में आपको मिलेगा, ग्लॉसी फिनिश के साथ में है, सो काफ़ी बेहतर आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, ये उतना ही जितना अच्छा लगता है उतना ही थोड़ा सा डस्ट भी बहुत ज़्यादा पकड़ता है, सो इसको आपको रेगुलरली क्लीन करके रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपके पास में लेदर फिनिश आपको मिल जाती है, ब्लैक एंड डुअल टोन आपको कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है, सो काफ़ी बेहतर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ये वाला पार्ट आपका प्लास्टिक का है बट ये आपका लेदर फिनिश के साथ में, सो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगने वाली है और बहुत ही बेहतर तरीके के साथ आपको मिलेगी। वन मोर थिंग दोस्तों, यहाँ पे आपके पास में आ जाता है हाइट एडजस्टमेंट, सो ड्राइवर सीट पे आपको हाइट एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाता है, डुअल टोन कॉम्बिनेशन जो है वो सीट्स पे भी आपको मिलेगा, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपके पास में आ जाती है। एंड जब आप डोर में एंटर करते हो तो जो प्रीमियमनेस वाली चीज़ें हैं ना वो आपके पास में यहाँ पे जी मॉडल से स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको टेल लैम्प भी आपको मिलेगा, फ्रंट में LED सेटअप है, इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन इंजन आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, सो ये बेसिकली माइलेज आपकी इंक्रीज करेगा। एंड हियर हेडलैम्प लेवलर आपके पास में मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस आपके पास में यहाँ पे रहेगा जहाँ पे आप कुछ अपना टिकट होल्डर वगैरह कुछ छोटा मोटा चीज़ आप रख सकते हैं। और एंड डेड पैडल आपके पास में यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी बेहतर चीज़ है अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, सो यहाँ पे आप अपने लेग को आराम दे सकते हैं। सो ये चीज़ मुझे लगता है सभी गाड़ियों में होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ बात करते हैं इस गाड़ी के डैशबोर्ड के बारे में और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हो। पहले अगर बात कीजिए स्टेयरिंग के बारे में, सो इसे आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे में ही इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी बेहतर चीज़ है। वेल सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाता है, एंड अगर फिर भी आपको थोड़ा सा कम लगता है तो भाई आप इस चीज़ को भी आराम से, यानी कि जो आपका स्टेयरिंग है आप इसे भी अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे जैसा चाहे वैसा आप इसे आराम से कर सकते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों लेफ्ट साइड आ जाता है आपके पास में कुछ मीडिया के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, कॉल रिसीव कट वॉइस कमांड का फंक्शन आपको मिल जाता है, साथ में यहाँ पे आपका टोयोटा का लोगो है, डुअल हॉर्न आपको मिल जाते हैं, एंड राइट साइड क्रूज कंट्रोल वगैरह ऐसा कुछ आपके नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास में राइट साइड हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी आपको इसमें मिल जाता है, लेफ्ट साइड आपके वाइपर्स के कंट्रोल आ जाते हैं, सो ये रियर का वाइपर है, फ्रंट का डिफॉगर वगैरह सारा चीज़ आप यहाँ डिफॉगर आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, बाकी वाइपर वगैरह जो है वॉशर का वो आपको यहाँ पे मिल जाता है फ्रंट एंड रियर बोथ साइड का। एंड यहाँ पे आपके पास में देख सकते हैं दो आपके पास में एनालॉग फॉर्म में जो आपका लेफ्ट साइड टैकोमीटर, राइट साइड आपका स्पीडोमीटर है, सो ये है आपका यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह भी शो हो जाता है। बीच में आपके पास में स्क्रीन है जहाँ पे आपका रेंज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, टेम्परेचर सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। इवन राइट साइड आप देखेंगे तो इसकी जो टॉप स्पीड है 220 टॉप स्पीड है, वेल अगर आप इसे 80 से 100 के बीच में चलाते हैं तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा और माइलेज भी आपकी गाड़ी काफ़ी बेहतर तरीके से दे देगी। सो यहाँ पे आपके पास में एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, सो रियर में आपके पास में कैमरा भी आपको मिलेगा, एंड कैमरा की क्वालिटी कुछ इस तरीके से,
ठीक ठाक सी और डिसेंट सी क्वालिटी आपको मिलेगी, आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से विजुअल हो जाती हैं। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ में आ जाता है। वेल ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लाइक आपके पास में यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेगा। सो ये गर्मी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट रियर बोथ साइड डिफॉगर आपको मिल जाता है। यहाँ पे 12 वोल्ट का एसेसरी होल्डर चार्जिंग सॉकेट है, एक USB पोर्ट है, एंड वन मोर थिंग जो कि काफ़ी बेहतर है, लाइक आपके पास में वायरलेस चार्जर की भी सुविधा आपको यहाँ पे दी जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। दो छोटे छोटे कप होल्डर हैं। 5 गियर मैनुअल स्पीड के साथ में आ जाती है। अगर आप इसका ऑटोमेटिक लेते हैं टर्बो में तो वहाँ पे आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आर्मरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडिंग फॉर्म में है। थोड़ा सा स्पेस आपके पास में यहाँ भी आ जाता है, सो काफ़ी बेहतर चीज़ है। डैशबोर्ड का एक्चुअल में जो लुक है काफ़ी स्पोर्टी सा मिलेगा आपको, बहुत ही मज़ा आने वाली गाड़ी को चलाने में। डेफिनेटली पावर जो है वो काफ़ी अच्छी खासी आपको मिल जाती है, 147 Nm का टॉर्क आपको मिलता है, सो अपने आप में बहुत ही बेहतर चीज़ है। एंड जब आप गाड़ी को ड्राइव करोगे सो काफ़ी फन टू ड्राइव है, बहुत मज़ा आने वाला है लिटरली। और बहुत सारे लोग डेफिनेटली टोयोटा जो आपकी आती है फ्रॉन्क्स बेसिकली मारुति की, वहाँ पे मतलब डेफिनेटली बहुत सारे लोग चला रहे होंगे। अगर आप ऐसे कोई फ्रॉन्क्स यूज़ कर रहे हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे एक्चुअल में टोयोटा में है क्या कि आपके पास में अगर जिन लोगों को थोड़ी सी प्रीमियम गाड़ी चाहिए, इवन जिनको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड ज़्यादा चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वारंटी काफ़ी आपको ज़्यादा मिलती है, मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, ग्लव बॉक्स में आपके पास में अच्छा खासा स्पेस आपको दे दिया जाता है, एंड यहाँ पे आपको लाइट भी आपको मिलेगी, सो ये एक अलग चीज़ है। वेल बोथ साइड आपके पास में आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत ही बेहतर सनवाइज है जिनकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। लेफ्ट साइड वेंटी मिरर है, राइट साइड आपको नॉर्मल मिलेगा, बीच में आपके पास में रीडिंग लैंप आपको मिल जाते हैं, माइक वगैरह आपको मिल जाता है, लेफ्ट साइड ग्रैब हैंडल है। सो ये एक इंटीरियर है जो कि काफ़ी बेहतर सा आपको मिलेगा। सो इस गाड़ी में आपको टोटल 6 एयरबैग मिल जाते हैं, जो कि सेफ्टी पर्पज से काफ़ी बेहतर चीज़ है दोस्तों। 2 फ्रंट में आपको मिल जाते हैं, 2 यहाँ पे पिलर में, एंड 2 आपको साइड पे आपको मिल जाते हैं। टोटल आपको 6 एयरबैग्स आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अब चलते हैं हम लोग जहाँ पे हमारी फैमिली बैठेगी, क्योंकि वो पोर्शन देखना बहुत ही ज़रूरी है, और वहाँ पे यानी कि रियर साइड में एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। बात की जाए रियर साइड में, सबसे पहली चीज़ तो आपके पास में डोर पे यहाँ पे जो लेदर का वर्क मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी आपको मिलेगा विद स्टिचिंग। ब्लैक पियानो फिनिशिंग के साथ में आ जाता है आपका रियर साइड में, देख सकते हैं पावर विंडो भी आपको मिल जाती है। साइड डोर हैंडल आपका क्रोम में आपको मिलेगा। जब आप डोर में और गाड़ी में एंटर करते हो सो द बेस्ट थिंग इज़ कि रियर में आपके पास में एसी के वेंट्स आ जाते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इस गर्मी में भाई रियर में एसी इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो फिर एसी इतना ठंडा हो कि आपको कभी ज़रूरत ही ना पड़े। खैर यहाँ पे आपके पास में प्रॉपर आपको दे दिया जाता है, सो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एंड दो आपके पास में चार्जिंग सॉकेट, एक आपका USB पोर्ट है, प्लस में एक आपका यहाँ पे टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाता है, फ़ोन वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हैं। सो काफ़ी बेहतर चीज़ आपको मिलेगी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर कोई पर्सन बीच में बैठता है तो यहाँ पे आपको कंफर्ट काफ़ी बेहतर मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे हमें मिलता है, तो उतना लेफ्ट और राइट साइड में जो कम्फर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पोजिशन सीट आपको मिलती है पर्टिकुलर पूरा, बट यहाँ पे मिड में उस तरीके से कम्फर्ट इसके बराबर तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा आरामदायक सीट आपको मिलेगी। आप लॉन्ग टूर पे अगर जा रहे हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सच। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल है, 3 सीट बेल्ट मिलेंगे, बोथ साइड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। तो अगर बात की जाए टोयोटा टायसर के बारे में, तो यहाँ पे सबसे बेहतर चीज़ आपको मिलती है, तो गाड़ी तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे आपको वारंटी भी काफ़ी बेहतर आपको मिलेगी टोयोटा की तरफ से। लाइक यहाँ पे आपको 5 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको दी जाती है, जहाँ पे मारुति एक तरफ आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी आपको देता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल जाता है। इवन यहाँ पे आप देखेंगे जो चीज़ें हैं, जो प्रीमियमनेस है, वो आपको काफ़ी बेहतर आपको मिल जाती है। प्राइस स्क्रीन पे सामने है इस पर्टिकुलर मॉडल के बारे में। अगर आप कानपुर या यूपी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्वर्ण टोयोटा में, जिनके यहाँ पे कानपुर में 2 शोरूम है, एक आपको चकरपुर में मिलेगा, दूसरा आपका GT रोड पे है। सो किसी भी शोरूम में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी अगर आपने अभी तक इसका CNG मॉडल का वीडियो आपने नहीं देखा तो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं, विल मैं आई बटन पे लिंक आपको डाल देता हूँ, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको बेस मॉडल भी आपको यहाँ पे कवर मैंने किया हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट साथ में, थैंक यू सो मच गाइज़।